नमस्कार दोस्तों, मैं शशांक मालवीय प्राइम न्यूज़ से। दोस्तों, सोशल मीडिया पर काम करने वाले हमारे पत्रकार बंधुओं को सादर नमस्कार। दोस्तों, कई सालों से हम सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं, लेकिन इसका हमें फ़ायदा कहीं नज़र नहीं आता है, क्योंकि सोशल मीडिया ही एक ऐसा मीडिया है जो सबसे तेज और सबसे आगे अपनी खबरों को पहुंचाता है, और सोशल मीडिया को सरकार की तरफ से कोई भी फ़ायदा नहीं दिया जाता है। क्या सबसे तेज और सबसे पहले न्यूज पहुंचाने का माध्यम सोशल मीडिया है? क्योंकि सोशल मीडिया पर ही सबसे ज़्यादा खबरों को दिखाया जा रहा है, और उन्हीं कर्मठ और ईमानदार पत्रकारों को सरकार की तरफ से एक रुपये का भी फ़ायदा नहीं पहुंचाया जा रहा है। क्या सोशल मीडिया के पत्रकार सिर्फ इसी तरह काम करते रहेंगे और अपनी जान जोखिम में डालते रहेंगे, लेकिन इनको सरकार की तरफ से कोई भी फ़ायदा क्यों नहीं पहुंचाया जा रहा है? ये एक सोचने का विषय है। हिंदुस्तान में कहीं भी किसी भी राज्य में ले लो, सोशल मीडिया के पत्रकारों को कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा है सरकार की तरफ से। वो सिर्फ और सिर्फ समाज की बुराइयों को सामने ला रहा है और इन बुराइयों को अपने मत्थे मर रहा है, जिससे कई लोगों से उसकी दुश्मनी भी हो रही है। सिर्फ ये सोशल वर्क ही कर रहा है, इससे इसका कोई फ़ायदा नहीं है। सिर्फ इसी तरीके से समाज सेवा कर रहा है और अपनी जान जोखिम में डाल रहा है, लेकिन सरकार को इनके लिए कुछ काम करना चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार भी इन लोगों के लिए कोई भी कदम नहीं उठा रही है, ये बहुत चिंता का विषय है। मैं शशांक मालवीय, क्राइम न्यूज़ से। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मैं UVN 08 से भोपाल से आरिफ खान, आप लोगों के लिए मैं एक नई चीज़ लेकर आया हूँ पत्रकारों के लिए, जो कि काफ़ी दिनों से इस चर्चा में एक विषय बना हुआ है, जो कि पत्रकारों के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है। इसलिए नहीं कर रही कि सरकार के पास समय नहीं है, या कि उनके पास कोई ऐसा विषय अभी तक पहुँचा नहीं है, जिसके कारण कि आप लोग खुद देख रहे हैं, एक पत्रकार अपनी जान जोखिम में डालकर आप लोग तक खबरें भेजाता है, जिस कारण अगर वो अपनी जान जाती है तो उसके लिए आज तक सरकार ने कुछ नहीं किया। आप भी समझते हैं कि सोशल मीडिया पर सबसे पहले खबर डालने वाले एक पत्रकार जो सोशल मीडिया पर अपनी खबरें डालते हैं, लेकिन अभी हमने ये देखा कि पत्रकारों के लिए सरकार ने, चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की, इसमें से किसी सरकार ने अभी तक पत्रकारों के लिए कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं निकाला है कि उसके लिए आपको कुछ ना कुछ या आपको मदद दे या पत्रकारों को मदद मिले। ना ही उसका कोई लाइफ इंश्योरेंस है, ना ही उसके लिए कोई मकान है, ना ही उसके लिए कुछ है, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं दी है सरकार ने। तो पत्रकारों की जान जोखिम में डालने के बाद हमने एक सोचा कि एक इवेंट दें, हमने इवेंट भी करा, लेकिन उसमें कुछ फ़ायदा नहीं मिला। मैं सुशांत के साथ UVN 08 के लिए आ रहा हूं।